इसरो के आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, तो आदित्य मिशन आपको ऑलरेडी पता है किससे रिलेटेड है, सन से रिलेटेड, सन की स्टडी करने से रिलेटेड आदित्य मिशन हम लोग को देखने को मिलता है। इसरो का आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च हुआ था सितंबर में, और इसका प्राइमरी मिशन क्या था, सन को एक्सप्लोर करना, राइट। ASPEX यानी कि आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट इसका फुल फॉर्म है। ये डिजाइन किया गया विंड पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए, यानी कि सूर्य से जो विंड स्टॉर्म्स निकलते हैं ना, लपटे, किसकी लपटे, आग की लपटे, सूर्य से आग की लपटे जो निकलती हैं, राइट, तो उसको स्टडी करने के लिए, या लहरें उसको स्टडी करने के लिए। और अब देखो कई बार ये लपटे जो होती है ना, ये स्पेस वेदर को डिस्टर्ब कर देती है, और जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने कोई मिशन एक सैटेलाइट ऊपर छोड़ी, इन लपटों के कारण वो डिस्टर्ब हो गई, ये डैमेज हो गई, तो ये हमें पहले से अगर इन लपटों की इंफॉर्मेशन रहे मिल सकेगी तो फायदा होगा। इस चीज के लिए इस मिशन को रहे भेजा गया। ASPEX के अंदर दो चीजें हैं, एक स्विस SWIS और दूसरी स्टेप्स है। SWIS यानी कि सोलार विंड आयन स्पेक्ट्रोमीटर, जिसका काम ये होता है कि ये चार्ज पार्टिकल्स जो सूर्य के होते हैं, आयन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसके अंदर एनर्जी होती है, उसको स्टडी करता है। और दूसरा है SWIS, सुप्रा थर्मल एंड एनर्जेटिक पार्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। इसका काम हम लोग को जो है वो देखने को मिलता है कि ये हाई एनर्जी पार्टिकल जो सन भेज रहा है उसको स्टडी करता है, यानी कि एक सिर्फ आयन्स को स्टडी कर रहा है और एक हाई एनर्जी पार्टिकल्स को जो है वो स्टडी कर रहा है। नेक्स्ट बता दो, क्वेश्चन का आंसर बता दो।